इस वक्त मसरूर यून जो है वो इसकी सियासत जो है वो मेरे नहीं ख्याल के कोई अब अहम रह गई है, वो एक खर्च हो चुके हैं। अगर ये उन्होंने कोई इससे अगर ये समझ बैठे हैं, मेरा ख्याल मेरे नहीं ख्याल के खसूस नवाशी साहब या जीरक आदमी और बड़े जहानदीदा आदमी है, वो ये समझ रहे हैं कि इसके बाद उनका स्कोप इतनी आसानी से होगा। जिस तरह आपने देखा कि अभी उनकी सियासत में एंट्री जो थी वो ऑलमोस्ट वो एक अगेंस्ट और जो कर रहे थे, अभी आपने जिक्र किया कि जो उन्होंने टाइम लिया इंटरव्यू लेने में, वो इनफैक्ट उसी वक्त थी जब इंटरव्यू ले रहे थे। मैं बार बार रोजाना ये कह रहा था कि ये इंटरव्यू बता रहे हैं कि नया नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी के इलेक्शन में अदम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्या उस्ताद पड़ी हुई थी या प्रॉब्लम था या कौन सी वो चीज थी कि नवाज शरीफ साहब ने 3-4 हफ्ते लगाए, इलेक्शन सर पे आ गए, मुझे कई टिकट देने वाले रो रहे थे जी कि हमें बताएं कि टिकट इशू करने नहीं करने, जब तक के वहां पे जमा कराना पड़े उससे आधों को टिकट मिल रहे थे और आधों को नहीं मिल रहे थे, भागम भागदा क्योंकि उसी जाके टिकट अनाउंस हो रहे थे। सही। तो ये वो एक मैसेजेस होते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं ना कि खामशी भी एक सभा होती है, तो एक उनकी कम्युनिकेशन चल रही है क्योंकि वो अपने आप को पाकिस्तान आने के बाद इतने अच्छे तरीके से है, बड़ा जलसा किया, उसके बाद उनकी कैंपेन नहीं चलाई क्योंकि वो अपने आप को समझते थे कि उनको डिच कर दिया गया और इसका सार नजर आना शुरू हो गए थे। जब फैसल वावड़ा साहब जरदारी साहब जहां मिले, सरफराज भुट्टी साहब जो थे जो नून के पक्के उनके आलमोस्ट तय था, वो जाके बलूचिस्तान में जरदारी साहब को जाके ज्वाइन कर लिया। एस्टेब्लिशमेंट को ये कई चीजों के बारे में उन्होंने ये नहीं देखना है कि इसका नफा नुकसान कितना है, उन्होंने बंदे जो है अपने वजारत खारजा के अंदर भी रख दिए है और अब इम्पोर्टेंट बंदा यही होंगे हमारे जलील जिलानी साहब होंगे। सही। तो और फाइनेंस भी ले लिया है और इंटीरियर भी ले लिया है। क्या आप इसके बाद 2 साल बाद जब तौसी मिल जाएगी, 1.5 साल बाद या 2.5 साल बाद, उसके बाद डेफिनेटली आप देखेंगे कि जी जरदारी साहब जो है वो 4 महीने पहले नहीं पुशी नून के ऊपर जो जुबान दी, उनके लिए कोई सियासतदानों के लिए मुश्किल नहीं होता कि वो एक मिनट के अंदर एक लैंग्वेज चेंज कर ले, हो सकता है इनको अबैंडन कर दे, उसके बाद वो इनको कहेंगे कि हम अपनी सपोर्ट वापस ले रहे हैं, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी। और ये इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट गोटे गोटे मुलव्वस होना था क्योंकि मुस्लिम नून को अब इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, मुस्लिम नून के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी काम की हो या उनके लिए उनकी आसूदगी हो। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम नून जो है मेरे लिए तकलीफदेह बात होगी अगर वो ये बात, मुझे लगता ही है कि वो ये उनको वो एक मामले में यकसू हो गए हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ कि ये उनका आखिरी सियासी पड़ाव है। अच्छा। और ये जो होता है ना भागते चोर की लंगोटी सही, तो इसमें अब मरियम बीबी को भी पंजाब दे दिया जाए। जिस किसी ने एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे का रोल अदा इस मुल्क में किया है, पब्लिक की नजरों में उसकी कदर कीमत गिर गई है, चाहे उसका नाम इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ साहब हो, और जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां पकड़ा है, चाहे ज़ुल्फ़िकार भुट्टो अपने वक्त के या नवाज शरीफ साहब हो या इमरान खान हो या इफ्तिखार चौधरी हो, उनको रिफतें मिली है।